नमस्कार, मैं अजय और विधायक जी बीच में खो गए थे। चुनावी माहौल में दिखाए कौन थे, कित थे। फोन कराया था विधायक जी टाइम दे भाई, विधायक जी बाहर हैं, विधायक जी वहाँ पे हैं, विधायक जी वहाँ पे हैं। तो आज मंथन, मैंने मंथन के बारे में हर नेता से पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ। तो मंथन विधायक जी का, कि विधायक जी की एक अहम भूमिका रही है इस चुनाव के अंदर। तो विधायक जी, विष बाटा आया या अमृत बाटा आया? ऐसा है, ये कोई विष और अमृत की बात नहीं है। मंथन तो उसने ये जिस टाइप से लोगों ने काम किया है वो शहर के लिए बढ़िया किया, और उसके लिए हम सारे शहर की जनता का धन्यवाद कर रहे हैं। काम चला है एक बात में तो सारे बात उल्टा ना, और दिया। क्या मतलब मंथन के ऊपर बात करी है, उसमें विष भी आया था, उसमें अमृत भी आया था, अमृत देवता ने लिया, विष राक्षसों की इच्छा आया था। तो आज विधायक की भूमिका के इससे क्या आया कि तीसरी योजना से विधायक है, और आपने साबित कर दिया कि मैं भी वाणी का मेरी भी वाणी। आज इस टाइप की तो बातें मैं जानता नहीं हूँ ना करता हूँ। जनता जब जब हमें आशीर्वाद देगी तो कोई ना कोई नेता हमारा ज़रूर यहाँ से जीतेगा, भिवाणी शहर से, और आगे आने वाले समय में भी हम सबको साथ लेकर चलने की एक शिक्षा नगर परिषद चेयरमैन को हमने दी है। विधायक जी, तो करनी पड़ेगी। विधायक ने साबित कर दिया कि विधायक कोई चीज़ है, क्योंकि विधायक की चर्चा गली गली मोरी भवानी को जितया, यानी एक किस्म से विधायक का चर्चा ज़्यादा ना हो रहा है। क्या कहें, ऐसा है, लोगों ने जो विश्वास व्यक्त किया है, हम जनता जनार्दन का बार बार धन्यवाद करते हैं। और इसमें आप जो ये पूछना चाह रहे हो कुछ और बात है, लेकिन मैं इस बारे में कुछ भी आपके सामने नहीं आऊंगा। विधायक जी, रखूंगा। बात तो शुरू हुई, मैं तो बात करना शुरू, 2 मिनट हुए मैंने बात करते करते। तो विधायक जी, आपकी अगर भूमिका की बात करो, क्योंकि आप इस फूल के वो प्रहरी हैं जिस टाइम इस फूल के आसपास कोई भी बवरा तक को दिखाया करता, आज तो बहुत दूर की बात है। तो आज किस प्रकार से इस फूल से भी गौर से भी क्या मानते हैं, किस ये प्रकार? भिवानी की जनता ने एक स्पष्ट निर्णय दिया है, और उसके बारे में जो भी कैंडिडेट उन्होंने बनाना था वो बना के हमारे पास भेज दिया है। अब चेयरमैन पद के लिए वो सुशोभित होंगे, और अब की बार 5 जोड़े इस चुनाव में जीते हैं, उनमें से ये भवानी प्रताप पार्षद और प्रीति भवानी प्रताप चेयरमैन, ये दो हमारे वार्ड से भी अच्छे वोटों से लीड किए हैं। एक विधायक जी, आपके धनखड़ साहब आए थे, जिला अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष आए थे, तो उस दिन स्टेज के ऊपर इत्तेफाक से मेरा आपका सामना हुआ, तो आपने एक बात कही थी कि टिकट मेरी जेब में है। तो विधायक जी, टिकट जेब में थी, तो ये लेकिन समझो कि जीत समझाओ। थी मेरे जेब में, ये समझो इस बात को, क्योंकि जीतना एक बहुत बड़ा लक्ष्य होता है, वो जीत हमारे पास थी। तो जैसे क्या मानते हैं, किस प्रकार से, जैसे आपका कयास थे, आपके प्रयास थे किसी और चेहरे को टिकट मिले, लेकिन आपके विरुद्ध में जाके भाजपा ने ये जो अधिकारी पता चले, इन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया, पर पार्टी लगता का नहीं? निर्णय तो सर्वमान्य होता है, और जिस टाइप से भी उन्होंने निर्णय लिया, हम उसका भी पार्टी के धनखड़ जी का, प्रदेश अध्यक्ष का धन्यवाद करते हैं। विधायक के साथ धन्यवाद कर दिया, क्यों और उनके काम चल, धन्यवाद काम चल गया और क्या। ना उनको चल रहा है, ऐसा है, देखो पार्टी का ही भवानी प्रताप था और पार्टी का ही कोई अन्य व्यक्ति था, लेकिन हम सब लोगों ने मिलके पार्टी के ही आदमी को बनाने का काम किया। एक एक कयास और लग रहे हैं बाजार के अंदर, है सोशल मीडिया के ऊपर है, कि जिला अध्यक्ष को बार बार भाजपा प्रति उंगली उठ रही हैं, आप प्रहरी हैं भाजपा के, फूल के प्रहरी हैं, तो क्या मानते हैं, किस प्रकार से बात सत्य है, ये क्या बात? बातें आपके सामने, जो हमारा प्रधान हमारे जिले के हैं जी, शंकर दुप्पड़ जी, उन्होंने भी एक अच्छा कार्य किया, और उस बारे में लेकिन भी बातें हम कुछ और उनके बारे में और उठ रही उनकी हैं। प्रशंसा भी करते हैं। बातें तो ऐसे ही उठती हैं, कभी किसी के ऊपर आरोप, कभी किसी के ऊपर, लेकिन मेरा ये मानना है कि कहीं कोई इस टाइप की घटना नहीं घटित हुई। राय जी, एक अहम बात और है, और फिर से कहूँगा, भाजपा के प्रहरी हैं, तो भाजपा प्रहरी होते हुए भी चौथे नंबर पे आना, फिर क्या मानते हैं इस बात पर? मैं इस बारे में आपको ये राय नहीं दूंगा, न कोई इस जी, बारे में दोगे मैं तो क्या दे होगा, दी, हमारी क्या पार्टी राय का दी काम है,
चौथे नंबर पर आना पार्टी आपके वजह से पहले भवानी प्रताप भी हमारा पार्टी का ही कैंडिडेट था, किसी कारण से उसको टिकट नहीं मिल पाई, लेकिन उसने अच्छे चुनाव का प्रदर्शन किया और पूरे शहर का दिल जीता है हम लोगों। वो आपका जादू खड़ा चल रहा है वो तो बता दो, किन्नर चलाया जादू, जादू कोई नहीं होता, कोई आप तो शंकर सम्राट हो। जनता जनार्दन की इच्छा होती है कि हमें इस व्यक्ति को आगे अपने लिए बनाना है, वो जनता ने अपना काम पूरा कर दिया, हम उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। विधायक जी एक सवाल तो लूँगा बना है, विधायक जी एक सवाल मैं चर्चा और बने सोशल मीडिया पर कि विधायक जी ने खुलेआम बातों बातों में अंदर के पर्दे पीछे बात की, तो भवानी को जिताने का काम किया ना कि भाजपा के कैंडिडेट को जिताने का काम किया, क्या ऐसा है? दोनों ही कैंडिडेट भाजपा के थे, हमने एक का साथ दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी अब भी एक है। धनखड़ जी से भी बात हुई है मेरी और सब नेताओं से मेरी बात बराबर चलती रही है। तो धनखड़ जी से किस किस प्रकार की बात बातें हुई शहर के लिए, मिनी सरकार के लिए? शहर के लिए आशीर्वाद दे दिया उन्होंने, इनकी पार्टी से निकाला नहीं था हमने, न भवानी प्रताप को न आपके ऊपर कोई एक्शन लेने की बात कही, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो विधायक जी इसके अंदर जीत का अगर सरे बात कहूँ तो माननीय घनश्याम दास जी को कितना जाता है? अच्छा है, मैं इस मामले में बीच में नहीं हूँ और पार्टी ने जो निर्णय लिया है और पार्टी ने तो बात ही प्रति मान थी, उसको तो वोट मिलते, लेकिन मैं तो चौथा नंबर पर नंबर पाई है, ये तो शहर का जो छत्तीसगढ़ का वोट था वो आपके पास आया है। लेकिन हमारे ही पार्टी में यही भवानी प्रताप भी था और ये जीत उसकी हुई है। आपका श्रेय बुद्ध जो मैं जीत तो उसकी होगी, मेरा श्रेय कोई नहीं है इसमें, मेरा कोई इलाका देखा नहीं था और हमारा एक लक्ष्य था कि भवानी प्रताप किसी भी टाइप से बने, हमने बार बार प्रयास किया कि उसको यहाँ की टिकट दी जाए, लेकिन जो संगठन होता है उसके सामने बहुत समस्याएं आती हैं और संगठन ने अपने हिसाब से जो भी काम किया है वो सर्वश्रेष्ठ। विधायक जी बात तो करनी पड़ेगी, आपका कद और पद दोनों जगह बढ़ गया, शहर के अंदर ही बढ़ गया और भाजपा पार्टी के अंदर भी बढ़ गया, जिस प्रकार से विधायक ने कहा था जेब में है तो जेब के अंदर रख ले, सौदा तो है। हाँ कद और पद दोनों बढ़ गए विधायक जी। हाँ ये बढ़ना हमारे बस की बात थी, टिकट लाना हमारे बस की बात नहीं रही और उसमें भी हमने पार्टी के ही आदमी को इसमें चुनाव किया। विधायक जी इसके ऊपर मंथन कराया जाएगा कि किस प्रकार से आपकी बातों को नकारा गया, क्यों नकारा गया, कौन नेता थे? बातें अंदरूनी होती हैं और जो प्रदेश अध्यक्ष जी का फैसला था वो अच्छा था, लेकिन हमने भवानी प्रताप के लिए 4 दिन चंडीगढ़ में बैठ के लगाए थे और किसी भी बात को लेकर मान लो कि कोई गलती किसी से हुई है तो उसका दंड सबको नहीं भुगतना चाहिए, सारे शहर को इससे प्रताड़ित होना पड़ता और लोग गुस्से में थे और लोग ये चाह रहे थे कि जो हमारा कैंडिडेट यहाँ से बने वो पार्टी का ही बने और उसका अच्छा प्रदर्शन करने के लिए हमने प्रयास किया और वो अच्छा प्रदर्शन हुआ। विधायक जी वो तो है, आपकी बात तो आपके विचारों तो सट्टा बाजार भी फैल कर दिया आपकी बात को, सट्टा बाजार तो दिखा को नहीं, मैंने तो सट्टेबाजों को एक बात कही थी कि किस तारीख तक तो मीनू अग्रवाल जीतेगी, अच्छा, और 22 को सवेरे से भवानी प्रताप जीतेगा, ये बात मैंने बार बार कही है लोगों को। तो विधायक जी ये समाज के लोगों ने आपको दबाव नहीं बनाया कि किस प्रकार से आप किसकी मदद कर रहे हो, क्यों मदद करने लग रहे हो? ऐसा है, समाज की बातें भी उठ रही थी विधायक जी, एक अहम सवाल है क्योंकि ये बात जरूर थी कि लोग ये चाह रहे थे कि भाजपा को ही टिकट मिली है तो हम उसके पक्ष में भी जा रहे थे लोग, लेकिन उसके अलावा जो वोटिंग थी वो भवानी प्रताप के पक्ष में गई। एक विधायक जी मैंने कई नेता को मैंने इंटरव्यू कराया है तो उन्होंने कहा कि ये भिवानी का चुनाव है जाति के आधार पर देखा जाता है, क्या मानते विधायक जी? मैं तो जाति के आधार पर तो ये इनके 8-10 हज़ार वोट हैं लेकिन जाति आधारित वोटिंग नहीं हुई है, क्यों पार्टी के अनेक नेताओं ने इसका भी हमारी प्रीति मान का भी समर्थन किया और अधिकतर नेताओं का ये विचार था कि भवानी प्रताप जैसे लोग यदि सत्ता में आते हैं तो उनके लिए
पूरा शहर उनके लिए नस्तक हुआ। और ये उसी का फल है कि एक जो 1000-2000 का अंतर लगा रहे थे उसकी जीत हुई है। इसका एक बड़ा महत्व जनता के लिए। बताइए, ये बात तो करनी पड़ेगी, आप भी पूरे पंडित जी हो, बात तक तो आप अभी 7 मिनट में कर दो। आपका याद हो, मैंने आपका इंटरव्यू किया था ना, भवान ने की बवाओ ने उसने मुद खाई में वोट को वो देवा तो आपकी भविष्यवाणी पूरी कर दिया। तो ऐसा है, वो तो नवी नवेली दुल्हन के रूप में हमारे यहाँ 24 को आई थी। हाँ भाई, 24 मार्च को आई थी जी, और अप्रैल मार्च में तीन महीने अभी होंगे भवानी बहन तो। हाँ, अभी तो होगी, अब होगी के। अच्छा, उससे पहले उसने अपने मुद घाई में भी वोट मांगे हैं, कहीं पे जाके कहीं पे और किस्म से भी पढ़ी लिखी औरत होने के नाते उसने समाज का दिल जीता। जी, एक आपने, मैंने आपका इंटरव्यू किया था, एक अहम सवाल है, तो आपने कहा था कि इसी नगर परिषद में घोटाले भी हुए हैं, वो कभी कभार में मीटिंगों में नहीं जाता था। तो विधायक जी, अब की बार की आपकी पूरी जो देख रेख रहेगी नगर परिषद के ऊपर, नगर परिषद के ऊपर पूरी जाँच हम रखेंगे। कोई भी व्यक्ति यदि वहाँ पर गड़बड़ी करता मिला तो हम उसको तुरंत बर्खास्त करने का काम करेंगे, और यदि कोई नहीं मानता है तो उसको सस्पेंड करने का भी काम हम यहाँ से करेंगे। तो बता जी, एक अहम सवाल शहर के लिए, तो अब क्या भवानी को पहले कलम से, प्रीति भवानी को पहले कलम से काम दिया जाएगा, किस प्रकार काम दिखाया जाएगा, क्योंकि वो बच्चे नए हैं। अच्छा काम होने के आसार हैं और शहर पूरी तरह सुधारित हो, इसके लिए हमारा प्रयास। बताइए जब तो बता दो, यो काम आप बैठे बैठे करो खड़े थे, अब दिखो भी कौन थे, लेकिन काम भी सारे सपा सा टोन लाग रहे थे, बिल्कुल साफ साफ बोलना रहे थे, आप करो खड़े थे, चंडीगढ़ तक करो थे, बैंड तक करो थे, या अंतर ध्यान राज्यसभा का सदस्य के लिए वोटिंग की थी 10 तारीख को हमने। अच्छा, और 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे को चंडीगढ़ बुला लिया था। अच्छा, तो 10 तारीख तक तो मेरे सामने कोई चुनाव की चर्चा ही नहीं हुई। अच्छा, उसके बाद चर्चा हुई तो लोग ये कह रहे थे कि हम भवानी प्रताप को जिता रहे हैं। अच्छा, तो लोगों की जो भावना है वो सर्वश्रेष्ठ होती है, और 36 बरादरी के बगैर कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं जीत सकता, उनका सबका सहयोग से ही ये इसको लड़के को जीत मिली। विधायक जी, भिवानी की जनता से क्या अपील करेंगे, किस प्रकार के अपील करेंगे? मैं तो अपील करना चाहता हूँ कि जहाँ भी नगर परिषद के पुराने समय के घोटाले हैं उनको ये दरकिनार करके हम आगे बढ़ेंगे। जो दोषी व्यक्ति हैं वे अपनी सजा भुगत रहे हैं, और आगे भी यदि इस टाइप का कोई काम करता है तो उसको भी सजा भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। विधायक जी, एक अहम बात हो, जो आ रहे हो उनके लिए भी कह दो, कहना तो उनके लिए बड़े विधायक हो साल में, तो उन ऐसा है, सारा शहर हमारा है, कोई भी व्यक्ति की हार नहीं है इसमें, हम तो केवल जीत की कामना कर रहे थे, लेकिन भवानी प्रताप के पक्ष में अधिक लोगों का रुझान रहा तो वो चुनाव जीता है। तो विधायक जी, जो जिस प्रकार से भाजपा चौथे नंबर पाई है, अब विधायक जी इसको क्या सोचे, शहर के अंदर फजीत हुई या किस प्रकार से क्या मानते? मैं ये कोई भी दूसरे तीसरे या चौथे नंबर पर आने वालों को किसी को कोई दोष नहीं है, उन्होंने जो अपने मेहनत करनी थी उन्होंने मेहनत की है, ये उसका ही परिणाम रहा है कि चाहे कोई दूसरे नंबर पे आया, चाहे तीसरे नंबर पे आया और चाहे चौथे नंबर पे आया। लेकिन बताइए, बाहर के नेता आए, पूर्व मंत्री आए, वो भी कोई जादू नहीं चला पाए? ऐसा है, सारी पार्टियों के नेता थे इसके बीच में, तो सबका ये था कि हम अपना काम करेंगे, आप लोग अपने यहाँ पे बैठो और हम चुनाव के लिए अपने अपने प्रयास करेंगे। चलो जी, ये क्यों है, विधायक जी कितने भी गए कौन थे, हुए कौन थे, विधायक जी तो अपने ध्यान में थे, विधायक जी ने करना के है, क्योंकि विधायक जी के रूप में पार्स डालमिया हैं, अमन हैं, ये काम कर रहे थे धरातल पे अपने भाई के लिए, अपने नेता के लिए, तो कहीं ना कहीं आशीर्वाद तो अड़ेगा था, मानना भी है, कहा भी है। दूसरी बात रही, ये इन्होंने कहा कि हम तीसरे चौथे पांचवें नहीं मानते, बस ये है जो मजबूत कैंडिडेट था, जो अच्छा था, जो काम करने में सक्षम था, उसी को जनता ने आशीर्वाद देने का काम किया, और अब मजबूती से उसके साथ में कंधे से कंधे मिला के काम करवाए जाएंगे शहर के लिए। जे एन सिंह से अजनक पंकज सोनी का खास रिपोर्ट।